नमस्कार दोस्तों, एक ब्रेन चार्जर के एक और फ्रेश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आनंद चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे चाय वाले के बारे में जिन्होंने चाय बना के करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया। जी हां दोस्तों, ऐसा चाय वाला जिन्होंने MBA करने के लिए जी जान लगा दी लेकिन फेमस हुए MBA चाय वाला के नाम से, उनका नाम है प्रफुल्ल बिल्लोरे। प्रफुल्ल बिल्लोरे का जन्म मध्य प्रदेश के धार जिले के लबरावदा में हुआ। उनको MBA के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होती है CAT, वो एग्जाम पास करके MBA कॉलेज में एडमिशन लेना था, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद में भी सिलेक्शन नहीं हुआ और उन्होंने अलग अलग जगह ट्रेवलिंग की। ट्रेवलिंग के दौरान उन्होंने देखा कि चाय बनाने का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि हर इंसान हर समय हर परिस्थिति में चाय पीना पसंद करता है। आज प्रफुल्ल बिल्लोरे MBA चाय वाले के नाम से फेमस हो चुके हैं। उनके अलग अलग जगह 11 से 12 आउटलेट हो चुके हैं जो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं और लगभग उनका 4 से 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है। आज की स्टूडियो में जानते हैं प्रफुल्ल बिल्लोरे की जिंदगी से लेगी कुछ ऐसी लर्निंग जिनको अप्लाई करके आप भी अपने बिजनेस और काम धंधे में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, प्रफुल्ल बिल्लोरे के जीवन से लेगी सबसे पहली जो लर्निंग है वह है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। प्रफुल्ल बिल्लोरे ने अपने करियर की शुरुआत मैकडोनल्ड स्टोर में ड्यूटी प्लेट उठाने से किया था। काम प्लेट उठाने का था लेकिन सपने बड़े थे। प्लेट उठाने के साथ साथ ये ऑर्डर लेना सीख गए और ऑर्डर बॉय बन गए। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपना खुद का काम स्टार्ट करता हूं और उन्होंने चाय बनाना शुरू कर दिया। चाय बनाने से लेकर चाय सर्व करने का काम वो खुद करते थे। उस समय की 200 से लेकर 300 रुपए की कमाई आज 4 से 5 करोड़ रुपए के टर्नओवर में बदल चुकी है। इसलिए दोस्तों, कोई भी काम छोटा नहीं होता बल्कि काम तो काम होता है। काम छोटा या बड़ा वो समझते हैं जिनको काम नहीं करना होता। आप कोई भी काम करें हमेशा क्यूरियोसिटी से करें, बड़े सपनों के साथ में करें, बड़े लक्ष्य बना के करें तो कोई भी काम छोटा नहीं होता, वो बड़े रूप में आपके सामने जल्दी आ जाता है। तो इसलिए जब भी आप शुरुआत करें तो ये नहीं सोचें कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा है, मैं नहीं कर सकता। आप तो शुरुआत करें, बस अपने दिल की सुने, सीखते रहे, लर्न करते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो दोस्तों, प्रफुल्ल बिल्लोरे की जीवन शैली की सेकंड नंबर लर्निंग है वो है कि दूसरों की परछाई बनने से अच्छा है खुद का काम करना। मैकडोनल्ड में काम करते करते सीखने के बाद प्रफुल्ल बिल्लोरे ने खुद का काम करने की सोची, लेकिन क्या उन्होंने सोचा कि ऐसी चीज पकड़ता हूँ, ऐसी चीज करता हूँ जो पूरे इंडिया को यूनाइटेड करे। इसलिए उन्होंने चाय का काम करने की सोची क्योंकि आप देखिए कि हर समय हर जगह हर परिस्थिति में हम चाय पीना पसंद करते हैं, चाहे वो अच्छाई का मुहूर्त हो, चाहे वो कोई गम का मुहूर्त हो, चाहे कोई मौसम बदलाव हो, किसी भी कंडीशन में हो हम चाय पीना पसंद करते हैं। इसलिए प्रफुल्ल बिल्लोरे कहते हैं कि किसी की परछाई बनने से अच्छा है खुद का व्यवसाय करना, खुद का काम करना। आपकी मेहनत, लगन और दृढ़ विश्वास के साथ आपको शुरू कर देना चाहिए और अपने विश्वास के साथ उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। दिन रात मेहनत कीजिए और सक्सेसफुल हो जाइए। दोस्तों, थर्ड नंबर लर्निंग है वो ये है कि पहले दिन से ही सेठ बनने की कोशिश नहीं करें। प्रफुल्ल बिल्लोरे कहते हैं कि यदि आपको अपने खुद के बिजनेस में यानी धंधे में झाड़ू लगाने नहीं आती या उसमें लगाते हुए शर्म आती है तो आपको मालिक बनने का कोई हक नहीं है। इसलिए प्रफुल्ल बिल्लोरे ने जब शुरुआत की तो चाय बनाने से लेके चाय के ठेले के आसपास सफाई करना, चाय सर्व करना, सभी काम उन्होंने खुद करना स्टार्ट किया। आज उनके बहुत सी जगह आउटलेट खुल चुके हैं और वो आउटलेट खुलते जा रहे हैं और उनके पास बहुत सारा स्टाफ हो चुका है जो ये काम करने के लिए तैयार है, लेकिन शुरुआत उन्होंने खुद से की। आज भी वो काम करते हुए नहीं शर्माते हैं, लेकिन ये चीजें बड़ी करनी है तो उन्हें बड़े रूप में जाना पड़ेगा और इसी के साथ धीरे धीरे छोटी शुरुआत से बड़ी चीजें बन जाती है। तो दोस्तों, कभी भी ये नहीं सोचे कि कोई चीज छोटी है, ये नहीं करूं, ये काम मेरे लायक नहीं है। आपको सभी चीजें, आपके धंधे के संबंधित सभी चीजें आनी चाहिए जिससे दो फायदे होंगे। एक तो आपका स्टार्टिंग में पैसा बचेगा, दूसरा आप वो जो आप काम बढ़ाना चाहते हो अपने एम्प्लॉय से करवाना चाहते हो उसकी फीलिंग आप समझ पाओ और समझ पाओगे तो आप उसे अच्छे से कनेक्ट हो पाओगे जिससे कि आप अपनी जो बिजनेस है उसको नई ऊंचाइयों तक ले जाओगे। दोस्तों, प्रफुल्ल बिल्लोरे की लाइफ से ली गई फोर्थ नंबर लर्निंग है कोई भी काम करने के लिए बस शुरुआत कर दो। प्रफुल्ल बिल्लोरे के मन में चाय का ख्याल आया और उन्होंने बर्तनों की दुकान से चाय के बर्तन खरीद लिए क्योंकि उनका मानना था कि अगर बर्तन मेरे घर पे पड़े रहेंगे तो मुझे वो पुश करते रहेंगे, वो मुझे दिखाई देते रहेंगे तो हमेशा मुझे इच्छा होगी कि मुझे ये काम करना चाहिए जिसके लिए मैंने निवेश ऑलरेडी कर दिया। तो लगभग 45 दिन के इस तरह से कसमकस के बाद में उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया और चाय का अपना ठेला लगा लिया। दोस्तों, आपने सुना होगा कि 1000 मील की दूरी तभी तय होती है जब पहला कदम आप बढ़ाते हैं, पहले कदम से शुरुआत करते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको कभी भी बहुत ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, अपने काम के लिए छोटी सी शुरुआत जो कर
सकते हैं, जैसे कि प्रफुल्ल बिलोरे ने बर्तन खरीद के जो शुरुआत करनी थी वो वहीं से शुरुआत कर दी थी। इस तरह से आप छोटी छोटी शुरुआत कर दीजिए, उसके बाद में आप उसमें धीरे धीरे एड ऑन करते जाइए और अपने छोटे से बिजनेस को बड़े लेवल पे स्केल अप कीजिए। दोस्तों, बिजनेस से संबंधित प्रफुल्ल बिलोरे की लाइफ से ली गई फिफ्थ लर्निंग है, अगर लोग आपके पास नहीं आ रहे तो आप लोगों के पास चले जाइए। प्रफुल्ल बिलोरे ने जब चाय का बिजनेस शुरू किया तो उनके ठेले के पास लोग नहीं आ रहे थे, तो प्रफुल्ल बिलोरे जब भी ट्रैफिक सिग्नल के पास जाते या जहाँ पे गाड़ियां खड़ी होती वहां पे जाते, गाड़ियों में नोक करते और उनसे बोलते कि क्या आप मेरी चाय पीना पसंद करेंगे, वो इंग्लिश में भी बात करते, तो लोग क्यूरियोसिटी के कारण वो देखते कि ये कौन इंसान है जो इंग्लिश में बात कर रहा है और चाय पिलाने के लिए ठेले पर काम कर रहा है। वो क्यूरियोसिटी की वजह से लोग वहां पे आने लगे और उनका बिजनेस धीरे धीरे बड़ा होता गया। आज वो एक फेमस MBA चाय वाला के नाम से मशहूर हो चुके हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, कस्टमर आपके पास नहीं आ रहे हैं, तो आप कस्टमर के पास चले जाइए। दोनों में से आपको एक काम तो करना पड़ेगा अगर आपको बिजनेस आगे बढ़ाना है तो। दोस्तों, इनके जीवन शैली की 6th लर्निंग है वो ये कि अगर आपको लाइफ में सीखना है तो अपने से बड़े उम्र में जो लोग हो, या पैसे में लोग हो, या दिमाग या अनुभव में लोग हो, उनसे दोस्ती कीजिए। आपको लर्निंग वाले मोड में हमेशा रहना पड़ेगा, लर्निंग वाले मोड में रहेंगे तभी आप सीख पाएंगे। इसलिए आप ऐसे लोगों से जिनकी आपसे उम्र ज्यादा हो, पैसा वो अच्छा कमाते हो, दिमाग आपसे अच्छा हो, अनुभव आपसे अच्छा हो, किसी भी रूप में आप उनसे दोस्ती कीजिए। दोस्ती करोगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे और सीखने पे ही सब चीजें हो सकती है। इसलिए दोस्तों, ये एक अच्छा कोटेशन है कि when you know you don't know you have better chance of learning। अगर आपको पता हो कि आपको नहीं पता तब आप सीख सकते हैं, आप सोचते हैं कि मुझे सब कुछ पता है तो आप कभी नहीं सीख सकते। इसलिए दोस्तों, सीखने पे अपना समय निवेश कीजिए, अच्छे लोगों से व्यवहार बनाइए, अच्छी बुक्स पढ़िए, वीडियो देखिए और हमारे ब्रेन चार्ज की वीडियो भी आप देखिए, अच्छी चीजें सीख रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है, साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे हम लर्निंग जाते हैं, इनके जीवन से ली गई 7th लर्निंग वो ये है कि अगर आपको एक एक सेकंड की वैल्यू है तो जीवन में आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, प्रफुल्ल बिलोरे पूरे दिन मेहनत करते थे, उसके साथ साथ में प्लानिंग करते थे कि आगे उन्हें क्या करना है, वो आइडिया लेते थे, लोगों से बातचीत करते थे, वो लर्न करते थे। इसलिए आपके जीवन में एक एक सेकंड कीमती है, उसका सही से इस्तेमाल करें, अपने बिजनेस को स्केल अप करें, बिजनेस में मेहनत करें, जी जान लगा दें तो सफलता आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों, उनके जीवन से ली गई 8th लर्निंग है कि जीवन में कुछ हो ना हो लेकिन कॉन्फिडेंस हमेशा रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, प्रफुल्ल बिलोरे स्टार्टिंग में खुद चाय बनाते थे, सर्व करते थे, सफाई करते थे, लेकिन उनके जीवन में कॉन्फिडेंस हमेशा था। वो हमेशा सोचते थे कि मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ, कुछ मैं बड़ा करने वाला हूँ और मैं इस काम को कर सकता हूँ। उसी चीज ने आज उनको बहुत बड़े मुकाम पे हासिल पहुंचा दिया। वो बहुत सारे मोटिवेशनल टॉक्स के स्पीकर रह चुके हैं, जैसे टेडएक्स हो, जैसे जोश टॉक हो, सभी जो उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी है। इसलिए कॉन्फिडेंस में हमेशा रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस सफलता की बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। दोस्तों, MBA चाय वाला के नाम से फेमस प्रफुल्ल बिलोरे की जीवन से ली गई 9th लर्निंग है, हर किसी को संघर्ष भरी जीवनी पढ़ने में मजा आता है लेकिन संघर्ष कोई नहीं करना चाहता। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, जीवनियां पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए वो तैयार नहीं होते। बहुत सारे लोग मुझे भी बोलते हैं कि बुक्स पढ़ने से क्या होगा, वीडियो देखने से क्या होगा, काम तो करना ही होगा। जी हाँ, काम तो करना ही होगा, लेकिन जब आप बुक्स पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, उसके बाद में ऐसी रिजल्ट आता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बुक्स तो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं लेकिन काम कभी कुछ नहीं करते, एक्शन कभी नहीं लेते, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और इसी वजह से हमें सुनना पड़ता है कि सिर्फ बुक्स और ही वीडियो देख के कोई आदमी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते तो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसलिए प्रफुल्ल बिलोरे की शिक्षा हमेशा याद रखिए कि जीवनियां पढ़ने के साथ साथ में आपको संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए, इसी में बड़ी सफलता आपके लिए निहित है। दोस्तों, प्रफुल्ल बिलोरे की जीवन से लेगी 10th लर्निंग है कि हर काम को अगर आप अपना 1000% देकर करते हैं तो आपकी सोच से भी ऊंची ऊंचाइयों को आप छू लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप जो भी काम करते हैं उस पे आप 100% अपना 100% क्या 1000% अपना डेडिकेशन लगाइए, इससे बड़ी सफलता मिलेगी। छोटी छोटी चीजें करते जाइए, बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों, इसी तरह से आगे हम 3 और बोनस आपको लर्निंग देना चाहेंगे जिससे कि आप उनके जीवन से बहुत कुछ सीख के अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी से देखिए उनकी 3 और लर्निंग जो बोनस के रूप में आपको मिल रही है यहाँ पे, वो है कि आपके कर्म ही आपकी किस्मत को डिफाइन करता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरी किस्मत में ये नहीं लिखा, वो नहीं लिखा, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, लेकिन आपके किए गए कर्म से ही आपका किस्मत, आपका भविष्य, आपका लक डिसाइड होता है। तो अपना कर्म कीजिए, अपना बेस्ट जो कर सकते हैं वो कीजिए, इसी में सफलता निहित है। 2nd बोनस पॉइंट है वो ये कि आपको दुनिया की बजाय सिर्फ अपने आप को कन्विंस करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, वो काम करना चाहता हूँ, मेरे पिताजी नहीं मान रहे, मेरी माताजी नहीं मान पा रही, मेरे आस पड़ोस के लोग नहीं मान रहे, ये समाज के लोग, ये दुनिया के लोग नहीं मान रहे। दुनिया उनिया किसी को नहीं समझाना, परिवार को भी नहीं समझाना, आपको खुद को कन्विंस करना है। अगर आपने अपने आप को कन्विंस कर लिया तो
आप बड़ी सफलता की कहानी लिख सकते हैं और बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। दोस्तों थर्ड नंबर जो बोनस पॉइंट है वो ये कि अपनी स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, MBA चाहे वाला प्रफुल्ल बिलोरे बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं ले पाए कि उन्होंने जनरली जो फॉर्मल एजुकेशन है वो की और वो MBA स्पेशली नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने ये देखा कि हमेशा उनको स्किल बढ़ानी है, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट फोकस करना चाहिए। तो उन्होंने सोशल मीडिया, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, बिजनेस की चीजें, ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने लर्न करना स्टार्ट किया। इसलिए आज उन्होंने सिंपल से चाय के बिजनेस को करोड़ों रुपए के टर्नओवर तक लेके गए। दोस्तों अगर आप भी अपनी स्किल को पॉलिश करना चाहते हैं तो आपके लिए हम एक कोर्स बताने वाले हैं जिसको आप परचेज करके अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं, स्पेशली वीडियो से संबंधित स्किल को। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से वीडियो प्रिनरशिप का जो कोर्स है वो देखिए। ये कोर्स है हिमेश मदान जी का बनाया हुआ है, जिनके लगभग 56 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और करोड़ों लोग उनके वीडियो देखते हैं। उनको देख के आप समझ सकते हैं, उनके वीडियो, उनके कोर्सेज को देख के सीख सकते हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस धंधे को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, वो भी वीडियो के द्वारा, डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा, सोशल मीडिया मार्केटिंग के द्वारा। तो लिंक पर क्लिक करके वो कोर्स परचेज करना जरूर याद रखें। और इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।